केंद्र से राज्यों को मिले अधिकार के तहत लॉकडाउन पार्ट फोर में हिमाचल प्रदेश में अब ऊना में रविवार यानी पिछले कल से ही हेयर सैलून ब्यूटी पार्लर सपा संचालन करने वालों को दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक ये अपना काम कर सकेंगे, जबकि मंगलवार को इनकी दुकानें बंद रहेंगी। इस अनुमति मिलने से पहले ऊना में स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग ने हेयर सैलून ब्यूटी पार्लर और स्पा संचालकों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी, जिसके तहत उन्हें फिर से काम शुरू करने से पहले कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर कई जरूरी दिशा निर्देश जारी भी किए गए थे। इस गाइडलाइन के तहत सभी संचालकों को कोविड-19 की हिदायतों को मानने की सलाह दी गई है। इन सभी दुकानों के संचालकों को अपने सभी ग्राहकों के नाम, आयु, मोबाइल नंबर सहित उनकी जानकारी रखनी अनिवार्य होगी। इन सभी संचालकों को मास्क, ग्लव्स प्रयोग करने के अलावा सिर ढकने की टोपी और चेहरे पर शील्ड का प्रयोग भी करना होगा। यही नहीं, उन्हें आरोग्य सेतु ऐप का भी प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही ये भी तय करना होगा कि ग्राहक के फोन पर ही ये ऐप उपलब्ध हो। दुकानदार या संचालक ये सेवाएं ग्राहक के घर जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। वहीं लगभग 2 महीने बाद अपना कारोबार फिर से शुरू होने की खुशी सैलून संचालकों के चेहरे में भी देखने को मिली। इन्होंने विशेष ट्रेनिंग से निकले परिणामों को संतोषजनक बताया और जारी गाइडलाइंस के मुताबिक काम करने का भी दावा किया। और इन्होंने यहाँ पे आके इनको हमने हिदायतें दी हैं कि कैसे अगर बार और सैलून शुरू करने हैं तो कैसे शुरू किए जाएंगे। उनको पूरा जो है सैनिटेशन के बारे में बताया गया है कि इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे सैनिटाइज करना है, और उसके बाद इनको जो है आपने क्या कैसे गाउन पहनना है, उसके बाद मास्क पहनना है, हेड गियर पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, उसकी पूरा डेमोंस्ट्रेशन दिया गया, इनको सिखाया गया कैसे पहनना है। और उसके बाद जो है कस्टमर का जो है एक कस्टमर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे उनको आपने सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में उसको स्टरलाइज करके आधा घंटा रखने के बाद नेक्स्ट सेट यूज़ करना है। तो कम से कम इनको हिदायत दी गई है कि 3 सेट जो है वो रखे जाएं, और 3 सेट जो है इनके पास कम से कम होंगे तभी ये शॉप खोलेंगे। दूसरा, इनके पास तो पर्याप्त मात्रा में जो गाउन होने चाहिए, जो कि एक कस्टमर को यूज़ किया तो उसको दूसरे को यूज़ नहीं करना है, अपना गाउन जो है वो इन्होंने चेंज करना है। और उसके बाद जो इनका कस्टमर के बाहर नो मास्क नो सर्विस के लिए लिखा जाएगा, कोई अगर कोई मास्क पहन बिना मास्क के इनके अंदर कोई एंटर नहीं कर पाएगा। पार्लर के बारे में बता रहे हैं, जैसे पार्लर में बच्चों को अलाउड नहीं है, 10 साल से छोटे बच्चे और अगर 60 साल से ऊपर बुजुर्ग है वो अलाउड नहीं है। और अगर फेस शील्ड ना हो तो आप चश्मा भी यूज़ कर सकते हैं, तो सैनिटाइज का करें और जितना ज़्यादा हो सफाई का, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान रखें। और जो एक बार चीज़ आपने यूज़ की है उसको दोबारा से अच्छे से धो के साफ़ करके बिल्कुल यूज़ करनी है, ये नहीं कि एक बार यूज़ कर ली दूसरे पे भी वही यूज़ करनी है। थोड़ा ये है कि अपनी जितनी सेफ्टी हो उतना हम करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सेफ है। मैम, क्या मानते हैं कि जो सावधानियाँ हैं ये बार्बर्स के लिए कितनी नुकसानदायक है और कितनी ही? सर, नुकसानदायक तो है वैसे, पर ये है कि जितना अपनी सेफ्टी अपने लिए है उतना बेटर है। कहाँ से है? मैं टक्का रोड ओला से। मैडम, किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया है? ये हमें एक्चुअली, जैसे हम लोग सैलून वगैरह मतलब रन करते हैं, तो उसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस तरह से अपना जो काम है उसको ढंग से करना है ताकि जो कोरोना वायरस है वो फैल ना सके। मतलब इसकी जो भी मतलब जो भी हम लोग कर सकते हैं एक क्लाइंट को और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सोसाइटी को कोरोना वायरस से बचाने के लिए।